क्वेश्चन नंबर 12 है अपने सामने, ए बी और सी डी दो पैरेलल क्वाड्रेंट सर्कल की सच दैट ए बी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपन बनाते हैं सबसे पहले एक सर्कल। ठीक है, अब इसकी दो पैरेलल क्वाड बनानी है, एक छोटी होगी एक उससे बड़ी होगी, वो क्वेश्चन में भी अपन को गिवन है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा सर्कल का सेंटर, दोनों सेम साइड गिवन है। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, अलग कलर से करते हैं, ऐसे ज्वाइन करो। ठीक है, इसको और अलग कलर से कर लो, ये ऐसे कर लो। ठीक है, ये बीच का डिस्टेंस गिवन है अपन को 3। ये कैसे आया देखो, ये इसकी लेंथ गिवन है 6, ये पूरी की लेंथ हो जाएगी 12, और इसका 1/4 गिवन है ये 3, तो 12 का 1/4 हो जाएगा 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, रेडियस अपन को निकालनी है, अभी अपन को पता है सिर्फ ये डिस्टेंस 3 है। अच्छा, इस पूरी की लेंथ कितनी है 6, तो इसकी आधी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। इस पूरी की लेंथ 12, तो इसकी आधी हो जाएगी 6। अब अपने पास दो ट्राइंगल बन गए, ये रेडियस है, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। ठीक है, दो ट्राइंगल बन गए, दोनों में पाइथागोरस लगाते हैं अपन। देखो ट्राइंगल 2 बन गए ना, इधर समझ लो, जिसको उधर समझ में नहीं आ रहा, छोटे छोटे दिख रहा है। देखो ये आर है, ये आर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 3 है, ये 6 है, ठीक है, और ये बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है, ये बेस कितना है 6 है, ये बेस 3 है। अब पाइथागोरस लगा लो, पहले वाले में क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस, इसको अगर अपन एक्स मान लें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 x। ठीक है, एक इसमें से इसको घटा दो तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 6 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 6 स्क्वायर बराबर आएगा, या फिर आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर रख दो तो यह आ जाएगा 6 स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 ये 36 बराबर 9 प्लस 9 18 प्लस 6 x। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, 18 बचेगा, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x की वैल्यू तो आ गई अपने पास 3, x तो आ गया भैया 3, लेकिन अपन को x नहीं निकालना था, अपन को निकालना था क्या, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस यहाँ से निकालेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3, 3 की जगह रखो 9, ये 6 स्क्वायर 36, ये हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर बराबर 45, और 45 को अपन लिख सकते हैं क्या, 9 into 5, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 root 5, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर।